फिल्म स्टार प्रभास ने बाहुबली के तीसरे पार्ट से जुड़ी हुई क्या खबर दी, क्या कहना है उनका फिल्म के फ्रेंचाइज के बढ़ने को लेकर, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म बाहुबली 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली 3, जी हाँ 3, अरे इसका मतलब थर्ड पार्ट, सच में फिल्म का थर्ड पार्ट आने वाला है और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि मैं मजाक करूंगी, वो भी ऐसी फिल्म के बारे में जिसके साथ हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। ये फिल्म साल 2015 में आई थी और जब ये फिल्म आई थी ना, तो हम में से किसी को नहीं पता था कि ये फिल्म एक मास्टरपीस होगी। दोस्तों इस फिल्म का जादू दर्शकों पर ऐसा चला कि आज तक नहीं उतर पाया। मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म बाहुबली साल 2015 में डायरेक्टर SS राजामौली द्वारा, यानी कि साउथ के मशहूर डायरेक्टर SS राजामौली द्वारा डायरेक्ट की गई एक एपिक एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में हमें लीड रोल में नजर आए थे साउथ के हैंडसम हंक प्रभास, वहीं दूसरी तरफ हमें फिल्म में नजर आए थे राणा दग्गुबाती और तमन्ना जैसे बड़े सितारे भी। आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी। फिल्म का पहला पार्ट यानी कि बाहुबली द बिगिनिंग, इसमें कुछ ऐसी कहानी दिखाई गई थी जिसको अंत तक खत्म नहीं किया गया था। जी हाँ, फिल्म की कहानी को पहले हिस्से में पूरा नहीं किया गया था, उस फिल्म की कहानी को कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ दिया गया था ताकि उसका जवाब दूसरे पार्ट यानी कि बाहुबली द कंक्लूजन में दे पाए। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि हम सभी जानते हैं फैंस का सबसे बड़ा सवाल यानी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल का जवाब सभी को फिल्म के दूसरे पार्ट यानी कि बाहुबली द कंक्लूजन में मिल गया था। अब दोस्तों ये दोनों फिल्में अपने आप में ही एक मास्टरपीस थी। इन दोनों फिल्मों को देखकर दर्शकों के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी, और इस सवाल का जवाब मिलने के बाद दर्शकों के दिमाग में और दिलों में जो सुकून था वो भी देखने लायक था। लेकिन दोस्तों अब जहां पर लोगों ने एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया था कि फिल्म आगे बढ़ाई जाएगी या फिल्म का कोई और हिस्सा आएगा, तो डायरेक्टर राजामौली आ चुके हैं फिर से अपने फैंस को सरप्राइज करने के लिए। जी हाँ, राजामौली ने डिसाइड किया है कि अब वो फिल्म का तीसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं, और ये मैं नहीं कह रही, ये बताया है खुद फिल्म स्टार प्रभास ने। जी हाँ दोस्तों, प्रभास ने हाल ही में बताया कि उन्हें इतना तो पता था कि फिल्म को पिछले 5 सालों से डायरेक्टर यानी राजामौली प्लान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ सच में होगा भी या नहीं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूँ कि बाहुबली 3 जरूर आएगा, और इतना ही नहीं बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट पर काम होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों बाहुबली के प्यारे फैंस या तो मेरे हिसाब से कुछ सारे हुए सभी फैंस, आप सभी को जरूरत है कि अब आप खुश हो जाइए और खड़े होकर एक बार डांस कर लीजिए, क्योंकि मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, और मेरे को तो ये बात करते में ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मैं तो इस फिल्म को लेकर इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मैं बता भी नहीं सकती। अब दोस्तों मुझे पता है मेरी ही तरह आप लोगों को भी इस फिल्म से जुड़ी और बहुत सी जानकारी हासिल करनी होगी, लेकिन आपको वो सब इस वीडियो में नहीं मिलेगी। थोड़ा सब्र कीजिए, अपनी आने वाली और वीडियोज में मैं आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी चटपटी बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।